सो वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोन स्टार्ट विद ए न्यू सब्जेक्ट ऑल टूगेदर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्या पढ़ने वाले है ओसीएम ओ सी एम का फुल फॉर्म देख लो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अब जो ये जो सब्जेक्ट है ना इसका जो आधा पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इज हाफ पार्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इज दी अदर पार्ट अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपको ट्वेल्थ में है ठीक है इसमें सिर्फ एक छोटा सा झलक दिया है आपको मैनेजमेंट का तो इलेवेंथ के सिलेबस में जो आपका लास्ट चैप्टर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाकी का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है ट्वेल्थ की अगर बुक खोल के देखोगे तो पूरा मैनेजमेंट 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 के बारे में दिया है सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट विल बी स्टडी इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यस अब इलेवेंथ में किस पे फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स पे ओके okay, अब ऑबियसली लाइक ऑलवेज कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है समझ लेना कि क्यू हम पढ़ रहे हैं जब तक वो क्यू का आंसर नहीं मिल जाता ना तब तक वो यू नो यू के नॉट जस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड की ये पढ़ने की जरूरत क्या है राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट टू आंसर दैट क्यू क्यू पढ़ना है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अच्छा ना ऑब्वियसली टेंथ तक तो आपके पास ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था आपके सिलेबस में विच वॉमर्स रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड रिलेटेड टू टू कॉमर्स एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट अब ये सब्जेक्ट इलेवेंथ में क्यों डाला गया अब टेंथ के बाद ऑब्वियसली सब ने अपने अपने फील्ड्स चूज किए होंगे आपके फ्रेंड्स ने साइंस लिया होगा किसी ने आर्ट्स लिया होगा और आप यहाँ बैठे हो मतलब आपने कॉमर्स लिया है राइट right? अब कॉमर्स लेने की एज सच कोई वजह कि ओके okay, किसी की कोई वजह होगी कि मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमें यू नो अकाउंट्स या फिगर्स पसंद है इसलिए हमने यहाँ लिया है कोई बोलेंगे हमें सी ए करना है कोई बोलेंगे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैम इसीलिए सो यस आर वेरियस रीजंस ओके अब कोई आपके फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनको फाइनली करना पापा का बिजनेस ही है तो आप में से ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको पता है कि आगे जा करना पापा का बिजनेस ही करना है तो कॉमर्स ले लो यस yes? सो so, द थिंग द कंक्लूजन योर वर्स की बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स इसलिए लिया है क्योंकि आगे जाकर उनको करना है बिजनेस उनको क्या करना है बिजनेस करना है खुद का कोई ना कोई बिजनेस करना है येस ऑब्वियसली आधे लोग ऐसे है जिनको सी ए करना है प्रोफेशन करना है बट माइंड यू डर फ्रेंड्स जो सी ए बन जाए ना वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है yes? so, बहुत सारे लोग CA सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाकर खुद का बिजनेस करना हो yes? तो सी ए के एवेन्यूज इतने ही नहीं है कि आपको सिर्फ uh, प्रैक्टिस करनी है या सिर्फ आपको जॉब के लिए सी ए करना है नहीं देर इज अज पॉपुलेशन जो सी ए करते हैं ताकि वो अपना खुद का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल सके ओके okay? सो so, ये तो कंक्लूजन है कि बहुत लोग कॉमर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनको खुद का बिजनेस करना होता है ओके okay, अब ये जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में क्यों डाला गया ताकि यू गेट अ ग्लिम्स कि बिजनेस होता क्या है बिजनेस कैसे कर सकते हैं बिजनेस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस करने के क्या फायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं है? yes, so exactly है. इंडेक्स के थ्रू भी लेकर जाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके रियल लाइफ में नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम बट आपके रियल लाइफ में उसका क्या फायदा होने वाला है आपको दैट आई बी एक्सप्लेनिंग नाउ ये क्लियर हुआ कि ये बिजनेस के लिए है तो पहले तो समझते हैं बिजनेस और कॉमर्स का डिफरेंस क्या है ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स चलो गेट रेडी इन द चैट बॉक्स एनी थिंग दैट यू नो इन द चैट बॉक्स आप आंसर कर सकते हो क्या लगता है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स अच्छा कोई एक भी पता होगा तो वो भी बोल सकते हो एनी वन कुछ फर्क पता है आपको मैम कॉमर्स इज ऐसा है बिजनेस ऐसा है कुछ तो फर्क पता होगा एनी वन कॉमर्स लिया है हाँ बोलो बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ओके ओके ऑल राइट एनी मोर एग्जाम्पल्स एनी मोर एनी वन मोर ओके लेट मी टेल यू what इट इज कॉमर्स मीन्स ट्रेडिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन a लार्ज स्केल ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है कोई भी चीज अगर आप एक लार्ज स्केल पे करते हो दैट इज कॉमर्स ना ऑब्वियसली ट्रेडिंग प्रोडक्शन उसमें सारा कुछ आ गया जो आपने बोला मैम ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है येस एनी थिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ठीक है तो अगर आपको गुड्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है इससे रिलेटेड काफी सारे और चीजें होती है काफी सारे और काम होते हैं दैट इज कॉमर्स बिजनेस क्या है एनी थिंग यू डू टू अर्न योर लिविंग इज योर बिजनेस अब कुछ भी अगर पैसे कमाने के लिए कर रहे हो एनीथिंग टू अर्न योर लिविंग टू सेटिस्फाई योर नीड्स इज बिजनेस अब बिजनेस फिर चाहे आप कैसे भी करो आप चाहो तो एक बड़ी सी कंपनी खोल के बिजनेस करो या चाहो तो पानीपुरी बेच के भी बिजनेस किया जा सकता है गुड्स बेच के करो या कोई सर्विस दे के करो यस सो देर आर वेरियस वेज यू कैन अर्न योर इनकम कमीशन कमा सकते हो अभी भी चाहो तो कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो कोई भी तरीके से जॉब करके सर्विस करके सर्विसेज देके, या फिर गुड्स बना कर बेच के गुड्स ट्रेड खरीद के बेच के पानीपुरी बेच के का बड़ी कंपनी खोल के देर आर वेरियस वेरियस वेज जिससे आप बिजनेस कर सकते हो यस सो एनी थिंग दैट यू डू टू अर्न योर लिविंग इज योर बिजनेस तो फिर वो आप कैसे भी करो ठीक है कॉमर्स थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है तो कैन आई से दैट बिजनेस इज अ वाइड टर्म इन विच कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ इट यस बिजनेस ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें आप कुछ भी करो टू अर्न इनकम कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस यस सो कॉमर्स इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू टू कैरी आउट योर बिजनेस नाउ दिस कॉमर्स हैज वेरियस मीनिंग्स Yes, commerce is a subject. Commerce is a stream. In that, you have various subjects like accounts, economics, OCM. Why all these subjects? To facilitate your business, to help doing your business, to help you to earn your living, to help you to earn your bread and butter. यस, सो कॉमर्स एंड बिजनेस में ऑब्वियसली एज सच फर्क नहीं है लोग इंटरचेंजेबली उसे यूज यूस करते हैं जनरल लैंग्वेज में कॉमर्स बिजनेस साथ में यूज किया जाता है बट देन दिसमॉल डिफरेंस कि बिजनेस ये एक बहुत बड़ा टर्म है उसमें कॉमर्स ये एक पार्ट है यस सो एनी थिंग दैट यू डू ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल दैट बेसिकली कम्स टू इन द टर्म ऑफ कॉमर्स बिजनेस डू एनी थिंग टू अर्न योर लिविंग ओके नाउ मैम चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ठीक है कॉमर्स तो हमने समझ लिया कि कुछ भी अगर हमें प्रोड्यूस करना है ट्रेड करना है ऑन अ लार्ज स्केल उसे कॉमर्स बुलाएंगे ओके जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली दर इज मच मोर टू दिस बट आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमर्स का ये मीनिंग है नाउ ऑर्गेनाइज करना है आपको कॉमर्स को ठीक है सो वॉट डू यू एग्जैक्टली मीन टू ऑर्गेनाइज थिंग्स वट डू यू एग्जैक्टली मीन टू ऑर्गेनाइज कॉमर्स कोई आइडिया है आपको कुछ भी बोल सकते हो आप चैट बॉक्स में कि ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ड से आपको क्या स्ट्राइक होता है क्या होगा ये वर्ड ऑर्गेनाइजेशन गुड प्लानिंग द लेआउट ओके साउंड्स गुड मोर

डिफाइन yes. so, right, right. Right. नहीं कर सकते देर इज मच मोर टू ऑर्गेनाइजेशन आप इमेजिन आप ऐसे आपका कबड़ खोलते हो और अगर मान लो थिंग्स आपने अच्छे से अरेन्ज करके नहीं रख, रखी है क्या होता है सारे कपड़े आपके मुंह पे आ जाएंगे यस yes. सो so, आपको अर्जेंटली कहीं पे बाहर जाना है तो बहुत क्राइसिस हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है क्या पहनू क्या नहीं पहनू देर इज सो मच सो मच मेस अराउंड यस मान लो आपकी बुक्स अगर ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो तो क्या होता है बुक्स जल्दी टाइम पे मिलती नहीं है ढूंढते बैठना पड़ता है याद नहीं आता है कहा रखा है यस yes, तो हमारे डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम का ऑर्गेनाइजेशन टाइम का मैनेजमेंट करना यस वी गॉट टू ऑर्गेनाइज आर टाइम वी गॉट टू प्लान आर टाइम इस टाइम पे हमें क्या करना है इस टाइम के बाद हमें क्या करना है वाई ऑल ऑफ इट टाइम को भी क्यों मैनेज करना पड़ता है बिकॉज वी हैव सर्टन रिसोर्सेज वी हैव सर्टन रिसोर्सेस विच आर स्केर्स यस yes, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है मैम ना ही हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है ना ही हमारे पास पैसे अनलिमिटेड है ना ही हर एक चीज लिमिटेड होती है राइट right? तो उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है यस yes, उस टाइम like, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा यस yes, पूरा दिन आप टीवी नहीं देख सकते यू गॉट टू ऑर्गेनाइज टाइम सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू डेवलप मोर है ना सो so, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना मतलब टू पुट थिंग्स इन अ डिसिप्लिन मैनर यस उसे परफेक्टली अरेज करना प्लान आउट करना अरेज करना ऑल दिस इज ऑर्गेनाइजेशन यस अब मान लो आपने एक शॉप खोला है ठीक है एक ग्रोसरी नॉर्मल शॉप खोला है डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट योर डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट योर यस मैम स ओके मान लो आपने चीजें ऑर्गेनाइज नहीं की क्या क्या हो सकता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या होगा विल नॉट गेट द गुड्स टू दस्टमर ऑन टाइम ओके मोर बी एबल टू प्रोवाइड द गुड्स राइट राइट मोर फाइनेंशियल प्रॉब्लम विद आई डिंक गेट दिस पॉइंट कैन यू अलॉबरेट प्लीज मैं बोल रही हूँ आपने मान लो ग्रोसरी शॉप खोली तो ग्रोसरी शॉप में जब आप जाते हो कितनी सारी चीजें होती है राइट देर आर 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 कॉस्मेटिक्स अदर ईटेबल्स कितनी सारी चीजें होती है राइट मान लो अगर एक जो ग्रोसरी शॉप है उसने चीजें प्रॉपरली अलाइन करके नहीं रखी है सब कुछ ऐसे मिक्स करके रखा है कुछ भी आता है डम कर देता है कुछ भी आता है डम कर देता है इमेजिन आपको वो पसंद तो भी आएगा क्या उस शॉप में जाने है जहाँ पे चीजें अच्छे से अरेंज नहीं है आप पहले तो जाओगे भी नहीं उस शॉप में क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ेगा आपको सेकेंड और जो ओनर है उसको तो अलग लेवल की तकलीफ होने वाली है राइट right? तो जस्ट इफ व्हाट इफ ही डज इज जस्ट इफ ही स्टैक्स हिज थिंग्स प्रॉपरली अगर वो प्रॉपरली ऑर्डर में अगर चीजें लगाएगा तो चीजें कितनी सिंपल हो जाएगी उसके लिए कस्टमर ने कुछ मांगा एक नजर घुमाई वहां पे सारे गुड्स है उसी वैरायटी के सारे गुड्स वहाँ पे अलग अलग कलर के सारे वहां कस्टमर विच दे वांट, पिक इट अप, गेट इट टू द कस्टमर, टेक द पेमेंट सॉर्टेड, यस कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एब्सोल्यूटली राइट सो नॉर्मल अगर ग्रोसरी शॉप के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है तो अगर कल को आप बड़ा बिजनेस करोगे तो क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी द आंसर इज एब्सोल्युटली यस विल नीड टू ऑर्गेनाइज आवर थिंग्स विल नीड टू ऑर्गेनाइज आवर थिंग्स यस नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर हम एक बिजनेस कल खोले यस yes? हमें हमने कहा कहा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है मतलब बेसिकली बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कम ऑन यू कैन पुट योर एग्जाम्पल्स ओके यस वेरी गुड एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज करना होगा ओके एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आगे कुछ चीजें होंगी लाइक like, जिस एम्प्लॉय का जो फोटे है उसको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया यस yes, मान लो आप यू नो सी ए बनकर आप कंपनी में जॉब मांगने गए हो अगर उन्होंने आपको एक मार्केटिंग टीम में डाल दिया तो आप खुश हो गए नहीं आपका फोटे नहीं है वो आपको अकाउंट्स में डालना चाहिए आपको सीए रिलेटेड काम देना चाहिए राइट सो एम्प्लॉइज को उनका प्रॉपर रिलेटेड जॉब एस पर देयर क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए दैट इज प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए यस yes, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इस एम्प्लॉय को बोल दिया कल से आप कंपनी में आओ और सब कुछ आपको ही देखना है कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कुछ समझेगा नहीं उसे राइट right? तो ही बी गिवन अ स्पेसिफिक टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इन योर कंपनी आपको उसे बताना होगा कि ये आपका काम होगा आज से अगर आप सारा काम इसी पे डालोगे तो थोड़ा वो इसका काम कर रहा है थोड़ा ये काम कर रहा है थोड़ा वो काम कर रहा है नथिंग विल बी अलाइंड यस तो हर एक एम्प्लॉय को आपको कुछ ना कुछ टास्क देना होगा ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट yes. क्या लगता है आपको और कहा ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए मशीन्स में ओके यस मशीन्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होगा कौन सी एक्टिविटी uh, के लिए कौन सी मशीनरी चाहिए वो डिसीजन लेना होगा प्लानिंग करनी होगी वेरी गुड ओके स्टैक गुड्स इन ऑर्गेनाइज मैनर यस ये करना होगा आपको गुड्स इन अ प्रॉपर मैनर यस फाइनेंस रिसोर्सेज मैनेज करने होंगे वेरी गुड मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में अनलिमिटेड फ्लो ऑफ मनी है यस yes, अब छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है आपके पापा ने मान लो आपको घर से निकाला ठीक है और आपको वो बोले कि मैं अब हर महीने महीने आपको दस हजार दूंगा ठीक है एवरी मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू टेन थाउजेंड रुपीज तुम तुम्हारा देखो तुम्हें कैसे रहना है ठीक है अब सिंपल सा क्वेश्चन है आप इस दस हजार को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे क्या क्या करोगे आप इस दस हजार से पहली चीज आप क्या करोगे ऐसे लाइन में बोलो कि आप इस दस हजार का कैसे स्पेंड करोगे क्या आप मूवी जाओगे क्या आप ट्रिप पे जाओगे करोगे क्या एग्जैक्टली exactly? घर से निकाल दिया गया है आपको तो सोच समझ के आंसर देना आप क्या करोगे होम फूड यस वेरी गुड तो मैम पहले तो हम एक रहने की जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें घर रेंट पे मिल सकता है यस ऑब्वियसली दस हजार में एक नया घर तो खरीद नहीं पाओगे तो रेंटल बेसिस पे घर देखना होगा तो मान लो पांच हजार रेंट में जाएगा आपका बहने का ओके okay. फिर फूड का देखना पड़ेगा आपको मेस लगानी होगी कि सुबह शाम एटलीस्ट आपको खाना है तो दो हजार यहाँ पे चला जाएगा और क्या आपको देखना होगा यस रेशन फूड खाना बनाना आता है यस गर्ल्स राशन बोल रहे हैं वो खुद बनाएंगे वेरी गुड ओके मेस मेस रखेंगे यस yes. अब बाकी जो बचा है जो हमारे पास सेवन थाउजेंड हमने यूज कर लिया और तीन हजार हमारे पास बाकी है यस yes? तो मान लो और हजार रुपए आपके बुक्स स्टेशनरी अब स्कूल कॉलेज की फीस तो पापा ने भर दिए हैं इतना दस हजार में तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा तो बाकी का यू you नो know, हजार रुपये आपने स्टेशनरी लॉन्ड्री uh, आयनिंग uh, उस सब में डाल दिया ठीक है एक आधी मेड लगा दी ठीक है अब बाकी का दो हजार क्या करोगे मैम हम मूवीज जाएंगे हम ट्रिप प्लान करेंगे ये सब करोगे क्या करोगे आप इन दो हजारों का ओके सो द बेस्ट आंसर वुड बी मैम हम ये हमारे क्राइसिस के लिए रखेंगे कल क्या पता क्या प्रॉब्लम आ जाए यस yes, गाड़ी आ, में पेट्रोल भरना हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ वह लग सकता है हमें हमें कुछ अर्जेंटली कुछ चीज खरीदनी पड़े या कुछ भी क्राइसिस के लिए मेडिकल का खर्चा हो जाए तो ये हम हमारे क्राइसिस के लिए रखेंगे यस सो बेसिकली ऐसे आप आपके पैसों को एलोकेट अलो, करोगे अब अगर आप चाहते तो इस दस हजार रुपए से आप क्या नहीं कर सकते थे आप अनलिमिटेड मूवीज देख सकते थे आप आपके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाकर घूम फिर सकते थे एक ट्रिप प्लान कर सकते थे यू कुड हैव डन अनलिमिटेड ऑफ थिंग्स विद दिस यस बट यू चोज यू चोज एंड यू हैड टू मेक अ चॉइस हाउ टू यूज दीज टेन थाउजेंड रुपीज अकॉर्डिंगली इन बिजनेस ऑल्सो यू हैव टू मेक योर चॉइसिस कि उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है Yes, तो आपको उसे ऑर्गेनाइज करना होगा इन रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने होंगे इन प्रॉपर सेक्टर्स यस yes, कल को अगर बिजनेस शुरू करोगे तो कैपिटल आपके पास लिमिटेड होगा उस कैपिटल को कहाँ यूज कहा करना है ये दस बार सोच के ही डिसीजन लेना होगा यस सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स विल टीच यू ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ़ यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एप्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केस आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है इसलिए आपको उसे ऑप्टिमम यूज करना है परफेक्ट यूज करना है ताकि हमें प्रॉपर सैटिस्फैक्शन हो प्रॉपर बेनिफिट हो उससे यस yes, मान लो ये दस हजार से आपने मूवी ट्रिप्स वाले चीजें कर ली और अब ये मेन चीजों के लिए आपके पास पैसे नहीं रहे हैं टू विल यू एव बी एबल टू सेटिस्फाई योर नीड्स जो भी आपके बेसिक नीड्स है नो सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू याइंड इज मैम हम हमारे बेसिक चीजों के पहले ध्यान रखेंगे बाकी पैसा बचा तो सोचेंगे एंजॉयमेंट का या बाकी चीजों का राइट right? सबके दिमाग में यही आंसर होगा वैसे ही बिजनेस में भी कुछ बहुत क्रुशियल इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें होती है जिसका पहले ध्यान देना होता है और फिर बाकी का तो चीजें बाकी पैसों से होती रहती है यस सो यू नीड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ओके और कहा, कहा आपको बिजनेस में लगता है कि मैम ये चीज बहुत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है कंपनी में सोचो ठीक है आप एक कंपनी में आप company, company हो आप कंपनी बड़े कंपनी के बॉस हो वहां क्या लगता है आपको और कहा आपको लगेगा कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ओके मनी यस मनी का तो डेफिनेटली होना चाहिए और स्टेशनरी बड़ी कंपनी है स्टेशनरी यस yes. आईटी का ऑर्गेनाइजेशन करना होगा यस फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स यस वेरी गुड मैम प्रॉपर डेटा का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो भी डेटा है ना बिजनेस में जो भी कस्टमर के लिस्ट है एम्प्लॉयज के लिस्ट है जो सीक्रेट डेटा है जो बाहर नहीं जाना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज करनी होगी चीजें यस वेरी गुड सो आपको डेटा ऑर्गेनाइज करना होगा और क्या क्या लगता है एम्प्लॉज एज पर क्लासिफिकेशन मशीनरी यस और एक चीज आपको देखनी होगी एक ही पर्टिकुलर टास्क पर ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए एक ही पर्टिकुलर टास्क पर मतलब अगर एक पर्टिकुलर टास्क दो एम्प्लॉय से हो सकता है तो वहां पर अननेसेसरीली छह एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और वेस्टेज ऑफ एनी का यस yes. क्या होगा जो दो लोग आराम से काम कर सकते हैं वहीं पे अगर आपने छ लोग डाल दिए उसी टाइम में अगर काम हो रहा है देन देर इज प्रॉपर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस यस सो दैट शुडेंट हैपन आल्सो क्या आपको लगता है कि रिपोर्टिंग जो है ना मैम वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए मतलब रिपोर्टिंग मतलब क्या कि जो एम्प्लॉय का जो मैनेजर है उसने प्रॉपरली उसे ही रिपोर्ट करना चाहिए एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स दे रहा है ना वो उसी का मैनेजर होना चाहिए ज दैट इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूटली ये अगर मान लो वो चीज ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है ठीक है अगर आपको मैंने हायर करा, करा अब बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए मैंने आपको एक सीनियर भी एलोकेट किया है जिसके साथ अब मैं तो बॉस हूं मैं हर बार आपके साथ आकर बैठ नहीं सकती मैं कभी कभार कंपनी में आती हूँ, ठीक है तो मैं हर बार तो आपको आकर नहीं समझा सकती आपको ये करना है वो करना है तो एवरी डिपार्टमेंट हैज मैनेजर हेड्स ओके सो मैं क्या करूँगी मैं उस मैनेजर को बोलूंगी

नहीं तो मुझे एज द बॉस ऑर्गेनाइज करना होगा कि एक ही मैनेजर हो आपका जो आपको ऑर्डर्स दे और आप सिर्फ उनको रिपोर्ट करो यस yes, मान लो मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपका काम हो आपको पांच छह लोगों को रिपोर्ट करना होगा वापस कितना डबल वर्क हो रहा है यस yes, तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना होगा कि आपको एक ही जन को जाकर रिपोर्ट करना है यस, सो दिस ऑल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल चीजों के लिए देर इज नीड ऑफ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली स्पीकिंग एक एम्प्लॉय प्रॉपर टाइम पे आ रहा है या नहीं प्रॉपर रोज आ रहा है या नहीं इसके लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत है इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर तो इफ यू सी एवरी सिंगल स्टेप इन बिजनेस रिक्वायर्स थिंग्स टू बी पुट इन ऑर्डर यस yes, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी चूक जाते हो तो उसके इम्प्लीकेशन आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में देखने मिलेंगे यस सो देर इज अ लॉट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम है एम्प्लॉयज कम है मतलब अनलिमिटेड तो ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे राइट right? पैसे कम है अगर एम्प्लॉयज मिले भी तो उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे तो आप भी इतने एम्प्लॉय रख नहीं सकते एम्प्लॉय so, कम होते हैं पैसे कम होते हैं कैपिटल कम होता है आपके पास जो भी टाइम है वो कम है सारी कुछ चीजें लिमिटेड है आपको उसको प्रॉपरली मैनेज करना होगा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना होगा और ये सब हम इसमें पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में, में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं यस ना अगर आप वॉक थ्रू लो टू द इंडेक्स इंडेक्स में जाकर देखते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस तो बेसिकली यहाँ पर हम सीखेंगे कि बिजनेस क्या होता है बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि बिजनेस आप इधर सोल प्रोपराइटर की तरह करो या पार्टनरशिप में ही करो या एलएलपी खोलो या एक कंपनी खोलो या यू you नो know, नॉट 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 फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलो ऐसा जरूरी नहीं है आप बिजनेस किसी भी तरीके से कर सकते हो राइट बट ऑब्वियसली हम बिजनेस में ये पढ़ेंगे कि क्या क्या वेज है बिजनेस करने के पार्टनरशिप खोल के भी बिजनेस कर सकते हैं ओके बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे पार्टनरशिप खोल के अगर बिजनेस किया तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं क्या लॉसेस हमें हो सकते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं तो वो हमें यहाँ पढ़ने मिलेगा विच विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन कि आगे जाकर आपको किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है यस yes, आपने एक कंपनी में काम करना है या आपने एक खुद का बिजनेस शुरू करना है या फिर आपने प्रोफेशन करना चूज करते हो आप एग्जैक्टली exactly क्या करना चाहते हो इसके बहुत सारे आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे सेकेंड ट्रेड यस बहुत जन अगर बिजनेस चूज करेंगे तो उनको ट्रेड में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ट्रेड कैसे करते हैं यस दैट विल बी रिक्वायर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब जब बिजनेस शुरू होता है तो पहले तो वो छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है येस yes, डायरेक्टली आप क्या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खुलते हो नहीं दैट रिक्वायर्स इफ एफर्ट्स राइट तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो इट्स ऑन अ स्मॉल स्केल राइट right? तो स्मॉल स्केल के क्या एडवांटेजेस होते हैं क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फिर कैसे आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकते हो ये सब हम देखेंगे ओके okay? अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बोला सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी अलग अलग फॉर्म्स क्या है जिसके थ्रू हम बिजनेस कर सकते हैं बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स सुपर स्टोर्स यस अलग अलग फॉर्म्स होंगे वो हम देखेंगे अब कहने को बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज ही कंपनीज के ही बहुत सारे टाइप्स है ठीक है अब जब हम रिलायंस लिमिटेड बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं ये किसकी कंपनी है क्या नाम सामने आता है रिलायंस लिमिटेड अगर मैं आपको नाम यूज करूं तो सामने नाम क्या आता है मुकेश अंबानी एब्सोल्युटली राइट मुकेश अंबानी आपके सामने वो पिक्चर आ जाता है सो दैट मीन्स इट इज अ प्राइवेट कंपनी यस वो उनकी कंपनी है ना अगर मैं आपको uh, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसे नाम बोलू ठीक है तो क्या लगता है ये कहा की कौन सी कंपनी है कैन आई से इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी यस जिसका पेट्रोल भरते हो आप आपकी गाड़ी में दैट कम्स फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी माई डिफरेंस यस तो एल आई सी हो गया ओ एनजीसी uh, हो गए या फिर ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया बी एस एन एल हो गया ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं डेल yes, जिसका आप लैपटॉप यूज करते हो एप्पल फोन ये सारे क्या हो गए मल्टी नेशनल कंपनीज जिन जो जिनके प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिकते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज क्या होते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनीज क्या होते हैं ऑल दैट विल बी सींग इन दैट चैप्टर नाउ देन कम्स इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस अब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते अब बिजनेस जब हम बोलते हैं तो दूसरा वर्ड बिजनेस के साथ एलोकेटेड होता है दैट्स प्रॉफिट बिजनेस ऑफिसली हर एक जन क्यों करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके ताकि वो पैसे कमा सके अपने नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए राइट right? बट आप देखोगे बहुत सारे बिजनेस जो गवर्नमेंट लाता है दैट इज जस्ट फॉर क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिन लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है एटलीस्ट उसके थ्रू उनको काम मिलेगा या फिर जो सेक्टर्स को हेल्प चाहिए उन सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोलते हैं इफ यू हर्ड सर्टन नेम्स नाबाद अगर आपने सुना होगा एग्रीकल्चरल के लिए एक नाबाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स को हेल्प करता है ना एग्रीकल्चर वी ऑल नो दैटरी ऑक्यूपेशन ऑफ अ कंट्री राइट तो एग्रीकल्चर कल्चर के लिए फार्मर्स को बहुत दिक्कतें होती है अब ये दिक्कतों से उन प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया लाइक like नाबाद अब नाबाद क्या करता है फार्मर्स को कम पैसों में लोन प्रोवाइड करता है उनको मशीनरी प्रोवाइड करता है उनको एडुकेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे वो बेटर लेवल ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं यस, yes. सो so, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पढ़ेंगे एक होता है सिडबी सिडबी इज जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते हो ना आपको फैसिलिटेट आपका बिजनेस आप फैसिलिटेट कर पाओ उसी उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस है तो कल मान लो आपने सोच लिया कि आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है ठीक है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि पैसे कहां से लाओ मशीनरी कहां से लाओ सो दीज योर बिजनेस कॉस्ट में मिल सकती है, They'll help you to tell you कि पैसे कहाँ से आप अरेंज कर सकते हो दिल हेल्प यू विद क्या बिजनेसिस आप कर सकते हो टू स्टार्ट विद यस सो देट्यूट जो गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, जो इन बिजनेसेस को हेल्प करेंगे जो हम जैसे लोगों को हेल्प करेंगे टू डू सपोर्टिंग बिजनेस प्लीज ऑफ योर माइंड हाँ बोलो मैम ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को मनी कौन देते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को मनी कौन देता है गवर्नमेंट इट एंड इनडायरेक्टली अपने थ्रू ही पैसे जा रहे हैं थ्रू टैक्सेस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी जो जो मैं गवर्नमेंट कंपनीज बोलती हूँ द गवर्मेंट इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू फंड दीज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट आपका अब बिजनेस जब आप करोगे तो बिजनेस एनवायरमेंट अच्छा पहले तो मुझे बोलो बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या बच्चों बिजनेस एनवायरमेंट से इस वर्ड से आपको क्या समझ रहा है एनी वन बिजनेस एनवायरमेंट इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है आपको वेरी गुड कॉम्पिटिशन येस वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्पिटिशन अच्छा लेट मी टेल यू द बेसिक मीनिंग फिर आप आंसर करो बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स ऑब्वियसली नॉट द एनवायरमेंट आर नेचर नहीं बिजनेस एनवायरमेंट मींस जो बिजनेस आप करते हो उसके आस पास की कुछ जो भी चीजें होती है दैट इज योर बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो इन साइड एंड ऑल्सो आउटसाइड द बिजनेस सो वॉट हुर दीपल हु आर इन साइड योर बिजनेस योर एम्प्लॉयज योर शेयर होल्डर्स योर मेंबर्स योर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी योर कस्टमर्स ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद योर बिजनेस ओके सो दे ऑल इम्पैक्ट योर बिजनेस इन समय वे ओके तो बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस पर इंपैक्ट लाएंगे डॉम्पिटिशन इंपैक्ट योर बिजनेस डेफिनेटली यस आजकल बहुत कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं टू गिव यू द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल वॉज जियो एनी बडी वुड लाइक टू टेल जियो ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन हुआ और क्या रेवोल्यूशनरी चेंज आया है नी स्टार्टिंग में उन्होंने डेटा फ्री दिया तो बहुत से लोग उनका yes, तो right. और... okay. yeah. एक, yeah. एक रेवोल्यूशनरी yeah. चेंज आ, या फिर आपको ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो क्या जियो की वजह से बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पे क्या असर हुआ एनी वन आज अगर आप प्लान देखो तो अर्लियर देव थ्री नाइनटी नाइन प्लान फाइव नाइन्टी नाइन प्लान अगर आप देखो बीट एयरटेल बीट वोडाफोन बीट जियो बीट एनी काइंड ऑफ कार्ड यूल यूज सबके प्लान सिमिलर होते हैं एक दो रुपए यहां हुआ क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है यस डू यू ऑल अग्री टू दिस सबके प्लान सिमिलर है यस और नो यस मैम एब्सोल्यूटली यस यस ये कैसे पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन अगर जियो ने वो प्राइस नहीं लाई होती तो सारे अभी 599 नाइनटी नाइन दिस प्राइज एट विच वी आर गेटिंग डेटा द प्राइज एट विच वी आर गेटिंग फ्री कॉलिंग इज द लीस्ट टिल डेट ओके पहले जब से पुराने जमाने से अभी तक शुरू हुआ है ऑब्वियसली टेकिंग इन्फ्लेशन इन टू कंसिड्रेशन इट इज लीस्ट टिल डेट कैसे पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ जियो जियो आया उसने फ्री कर दिया अब ऑब्वियसली बाकी लोग फ्री नहीं कर सकते थे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्राइजेस कम करना शुरू किया क्योंकि फिर तो सब जियो के पास ही जा रहे थे ओके okay, जियो ने जब प्राइजेस लाए तब भी उसके प्राइजेस कम थे कंपेयर टू अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बीट आइडिया वोडाफोन एयरटेल उनके सबके प्राइजेस ज़्यादा थे जियो के कम थे जैसे ही जियो ने कम प्राइजेस लाए सबने अपने प्राइजेस सेम लेवल पर लाकर रख दिए उनको मजबूरी से वो प्राइजेस सेम लेवल पर लाकर रखने पड़े मान लो अगर वो नहीं करते तो क्या होता क्या होता इंटरनेट एब्सोल्यूटली no सब जियो ही लेते क्यों कोई और लेता अगर कहीं पे पैसा सेव हो सकता है और अगर क्वालिटी काइंड ऑफ सेम मिल रही है क्या तो फर्क पड़ता है पोर्ट कर लो यस सो दैट वॉज अ रेवोल्यूशनरी चेंज ना एवरी बिजनेस फेसिस द सेम कॉम्पिटिशन हर एक बिजनेस में वो कंपटीशन होता ही होता है यस yes? अगर आप कुछ अलग हटके यूनिक नहीं दे सकते हो तो आपको वो सेम प्राइस रखना होता है जो आपके कॉम्पिटेटर रख रहे हैं यस एंड स्पेसिफिकली ये गुड्स के केस में होता है सर्विस में तो भी यू कैन एड अप योर सर्विसेज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मैटर्स तो बहुत सारी चीजें होती है बट गुड्स और प्रोडक्ट्स में प्राइजेस यू कैन नॉट कीप एक्स्ट्रा प्राइजेस ऑफ द सेम गुड्स जो आपके कॉम्पिटेटर्स कम प्राइस में बेच रहे हैं आपसे क्यों कोई खरीदेगा राइट सो एनवायरमेंट इज सच अ बिग फैक्ट सॉरी कंपटीशन इज सच बिग इम्पोर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस आपका बिजनेस उनके बेसिस पर चलता है आपको पे नजर रखनी होती है वो क्या प्राइजेस रखेंगे वो क्या स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अकॉर्डिंगली आपकी स्कीम्स बनते हैं आपके प्राइजेस रहते हैं है ना सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अनदर कैन आई से गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज यस गवर्नमेंट अगर कोई नई पॉलिसी लेकर आता है कुछ यू नो टैक्स में कुछ चीजें चेंज कर देता है दैट अफेक्ट योर बिजनेस एब्सोल्यूटली यस इट डज अफेक्ट द बिजनेस प्लास्टिक बैन अगेन जितने भी प्लास्टिक कंपनीज थी दे हैड टू शट डाउन दोज वो प्रोड्यूसिंग दो प्लास्टिक बैग्स यस सो इट ब्रिंग्स इन चेंजेस ओके तो गवर्नमेंट के अगर पॉलिसीज है कुछ लॉज है बिकॉज ऑफ दैट दैट विल दैट विल इंपैक्ट योर बिजनेस सो यू गॉट टू कीप अ आई ऑन द गवर्नमेंट एज वेल कि गवर्नमेंट क्या लेकर आ रहा है क्या न्यूज लेकर आ रहा है वो हमारे लिए यस वजह से हमारे बिजनेस पे चेंजेस आ सकते हैं यस सम समोर फैक्टर्स दैट यू कैन से दैट कैन अफेक्ट योर बिजनेस सम समो फैक्टर्स माई डियर फ्रेंड्स एनी फैक्टर्स यू थिंक वेरी गुड फाइनेंस ओके सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक फैक्टर्स ओके जब आप फाइनेंस रिलेटेड फैक्टर्स बोलते हो तो वो काइंड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं लाइक यू कैन हैव योर एज इंफ्लेशन रेट यू कैन हैव योर योर इंटरेस्ट रेट्स यस बैंकिंग वर्ल्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंटरेस्ट रेट वेन आई से बैंक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस एनवायरमेंट में यस yes, अगर इंटरेस्ट रेट लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने लोन ले लिया है तो यस yes, बैंक अगर सेविंग्स कर या यू uh, नो you know, कोई भी इंटरेस्ट रेट कम कर दे वापस प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स पे रेट्स कम कर दे यस yes, बैंक्स किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को लॉट ऑफ बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन बैंक्स फॉर डिपॉजिट्स एज वेल एज फॉर लोन्स right so they play important role inflation very important role on the business yes various economic factors play econom uh, play important roles did it play an important role in your business yes absolutely yes lot of businesses got affected because of this yes problems were ko. there were so many industries that had to shut down यस डेज़ यू सी सारे शॉप्स लोग खाली कर रहे हैं सारे प्रमाइजेज जो उन्होंने रेंटल बेसिस पे ले रहे थे वो खाली कर रहे हैं वाई बिकॉज दर इज नो बिजनेस यस नाउ वॉट रेवोल्यूशनरी चेंज हैजेंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिकॉट रेवोल्यूशनरी चेंज हैज कम अप बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिकनी वन प्राइज not a revolutionary change that keeps चेंज prices up down any more yes, yes i possible. got an answer arnav coded code perfect answer online business uh, e-commerce remote working has become possible yes working without a no like you know physical place you have started working on digital platforms on e-commerce platforms yes so digital ho gaya hai aapka business up. yes डिजिटल हो चुका है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रेवोल्यूशनरी चेंज माइ डियर फ्रेंड्स यस अब लोगों को समझ आया है कि कुछ बिजनेसेस के लिए अगर हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस ना हो तो भी चल सकता है लोगों को अपनाना पड़ा टू दिस ई कॉमर्स डिजिटल वर्ल्ड यस सो

कॉमर्स डिजिटल वर्ल्ड में कैसे बिजनेस कर सकते हो वो सीखना होगा सो इन बिजनेस हैव टू अनलर्न थिंग्स एज एज वेल लर्न न्यू थिंग्स यस कीप अ टैप ऑन द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है अंदर सब कुछ देखना पड़ेगा यस सो येस पे सीखोगे यहाँ पे यस सो बिजनेस एनवायरमेंट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर गोन बी एंड लास्टली इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट विल टीच यू की कैसे मैनेज करे चीजें एज आई टोल्ड यू इसका यहाँ पे सिर्फ झलक है इस चैप्टर में कि मैनेजमेंट क्या होता है क्या जरूरत है मैनेज करने की एंड ऑल दैट बाकी सब है आपको ट्वेल्थ में रेस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है तो एमबीए नहीं करके भी आपको काफी सारी चीजें यहीं पे मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखने मिलेगी कॉमर्स के फर्स्ट लेवल पर ही क्योंकि वी ऑल नो दैट अ मैनेजिंग अ बिजनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो जस्ट ओपनिंग अ बिजनेस इज नॉट सफिशियंट यू गॉट टू ऑर्गेनाइज इट यू गॉट टू मैनेज इट येस एंड ऑब्वियसली फर्स्ट दे आर गोइंट टू टीच यू हाउ कैन यू बिल्ड अ बिजनेस हाउ कैन यू ओपन अ बिजनेस एंड देन दे विल टीच यू उ कैन यू मैनेज इट्वेल्थ सो इलेवेंथ में आपको सिर्फ सिखाएंगे कि बिजनेस आप कैसे कर सकते हो किस किस तरीके से कर सकते हो किस किस फॉर्म में कर सकते हो और आगे जाकर वो आपको पढ़ाएंगे कि उसे अगर आपने एक बिजनेस चूज कर लिया है तो आप सीखो कि उसे मैनेज कैसे करे यस yes, तो थेटिकल है बट अगेन आप कोई भी कॉमर्स का आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखो एवरीथिंग इज सो प्रैक्टिकल यस सो भले ही थ्योरी सब्जेक्ट वाइज बोलते वक्त हम इसे थ्योरटिकल सब्जेक्ट बोलते हैं बट वो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है आपके रियल लाइफ से यस इट इज नॉट लाइक योर हिस्ट्री सब्जेक्ट वेद इन यू हैव टू स्टडी द पास्ट योर यू गॉट टू स्टडी सम न्यू कॉन्सेप्ट सम न्यू थिंग्स रिलेटेड विच कैन हेल्प यू टू अर्न योर लिविंग बेसिकली यस सो एग्जाम अगेन आल टेल यू जैसे मैंने अकाउंट में बोला था एग्जाम पर मत पढ़ना इसे, मजा नहीं आएगा yes, फिर आपको एक burden लग जाएगा कि इतना सब कुछ लर्न करना है मैम कैसे होगा क्या होगा नो इमेजिन एवरी स्टेप जस्ट इमेजिन दैट यू आर डूंगस यू आर डूंग लगने वाली है वही सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं यस yes, वही सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। now so to begin with we'll be starting with the first very chapter that is introduction to commerce and business okay so i'll just insert the pdf and give you a glimpse of the notes ki notes kaise honge and then i'll like to start by evening sare notes ye jo ocm ka first chapter ka jo note hai wo aapke group par aa jayega accounts aur ocm ka Okay, one second. Okay. Ab ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हम सबसे पहली बेसिक चीज जो सर पढ़ने वाले हैं दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज क्या पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज ओके समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब इसका डेफिनेशन ना बहुत सिंपल है जो भी आप दिन भर में करते हो या जो भी आप एज अन कोई भी अगर एक्टिविटी करते हो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज बी इट एनी एक्टिविटी अभी आप लेक्चर में बैठे हो ह्यूमन एक्टिविटी आपको सोते हो ह्यूमन एक्टिविटी खाना खाते हो ह्यूमन एक्टिविटी घूमने जाते हो ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ाई करते होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी मम्मी खाना बना रही है ह्यूमन एक्टिविटी सिंपली स्पीकिंग लेट मी जस्ट क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट एक होगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन डेफिनेशन वेरी सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी वो जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो और आपके नीड्स इस पैसों से अपने नीड्स फुलफिल करने के लिए करते हो तो ऑब्वियसली देर आर सो मेनी नीड्स दैट अन हैज राइट right? आपको रोज का रोज खाना चाहिए आपके ऊपर रूफ चाहिए आपको एडुकेशन चाहिए ये सारी चीजें कहाँ से आती है पैसों से और पैसा कहाँ से आता है ह्यूमन एक्टिविटी करके इकोनॉमिक एक्टिविटी करके मैम कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस करके जॉब करके प्रोफेशन कोई ना कोई फॉलो करके यस yes, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा जनरेट होगा और इन सारे पैसों से आपके नीड्स जो है सेटिस्फाई होंगे है? अब दूसरे कुछ activities होते है जिसे हम बुलाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बचपन से कहावत आप सुनते आए होंगे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अडल्ट बॉय एक्चुअली इस टर्म का क्या मीनिंग है क्या वो ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ काम मत करो बाहर खेलने भी जाया करो इज दैट वॉट दे मीन और इज दैट समथिंग मोर टू दिस ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय आपको आई थिंक एसेज भी आते थे इस पर राइट right? तो क्या क्या था इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोलना चाहते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं एनी वन नहीं एनी वन वुड लाइक टू गिव अ ट्राई Don't get overloaded. Have a balanced life. Absolutely right. You got to have a balanced life. क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं एक जॉब देती हूं जिसमें मैं आपको सालाना वन करोड़ प्रॉमिस करती हूं बट प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको मैं एक डेजर्ट एरिया में काम के लिए भेज रही हूं जहां पे कोई नहीं होगा ना आपकी फैमिली होंगी ना आपके फ्रेंड्स होंगे आपके साथ दो और वर्कर्स होंगे ठीक है वहां पे खाने का हम आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे आपको पंद्रह साल वहां रहना होगा पंद्रह साल बट एवरी ईयर आई पे यू वन करोड़ रुपीज वुड यू लाइक टू गो दैट वुड एनी बडी लाइक टू गो दैट

क्योंकि पैसे कमाने हैं बट रेस्ट ऑफ द टाइम यूल ट्राई स्पेंडिंग विद योर फैमिली यूल ट्राई गोइंग फॉर योर पैशन यस हॉबीज यस यूल फाइंड सम पैशन इन मे बी गिटार बजाना हो पेंटिंग करना हो डांसिंग हो यूल फाइंड टाइम फॉर इट मे बी इट्स फिटनेस ये यूल फाइंड टाइम फॉर इट एज वेल देन देर आर सर्टन टाइम्स वैन देर आर फेस्टिवल्स कल्चरल नीड्स होते हैं लोगों के कल्चरल एंड सोसाइटल नीड्स यस वेर यू हैव टू अटेंड Festivals. Yes. So that all is there. Yes. Social life, hoti hai where you got to go out, hang out with your friends, go out with your family, go out for a vacation. All that is needed along with your business activity. So, all work, if you do, you'll go mad. You just can't do that. Right? You got to have a balanced life. Yes. So, yes, you got to f accomplish your dreams. Yes. So, all those activities which you do to attain peace to attain satisfaction to attain happiness is non economic activity yes so you need so many things in life you need love you need friendship you need your family you need happiness you need festivals you need social uh, you know social elements around you so all that is your non economic activity so human activities can be either a economic activity or it can be a it can be a non economic activity right so tell me whether it is economic activity or whether it is non economic activity a teacher teaching in the class economic activity or non economic activity in the chat box sabne fatafat likhna Okay. A teacher going back home and teaching her own child. Very good. That's a non economic activity. Your mom having a small cafe wherein she makes desserts and sells them. Oh, your mom baking a cake for your family. Very good. Very good. You guys studying. Hmm. Non economic, my dear friends. Are you earning money? No. You're using your dad's money. You're not earning money. You're spending money. <laughs> non economic. Your dad doing business? Obviously, economic. Okay. Me teaching you guys. I'm teaching you. सबने इकोनॉमिक सोच के बोलो गाइज आई एम टेलिंग यू इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज सर पे मी फॉर दिस आई एम डूइंग इट एज चैरिटी फॉर हेम उन्हें पे करते मुझे सो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ओके इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल राइट सो नाउ वी आर क्लियर विद वॉट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइट सो टेल मी यू गिविंग डोनेशन टू एन एनजीओ Donation to an NGO. Great. Obviously, so you giving donation to an NGO is a non-economic activity. You don't donation. So it's a non-economic activity. You do not expect anything in return. So can I conclude that all these non-economic activities, there is no expectation in return? Yes, no expectations attached no expectation in return yes you do certain things like suppose a rastepe you know you see a blind going what will you do you'll help that person to cross the road do you ask money in return of that no you don't have any expectations in return you just do it for your happiness for your soul to be happy yes ek achhi feeling atye by helping others so there is no expectations in return and those are non-economic activities which Ultimately, give you happiness, peace, satisfaction, solace, all those things which are equally needed in life. Getting the point? Yes. So, let's understand economic and non economic activities. Okay. So, first thing introduction.

Yes, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे होंगे जो आपको पैसे कमाने में हेल्प होंगे और कुछ एक्टिविटीज ऐसे होंगी जो सिर्फ आपको सैटिस्फेक्शन देने में हेल्प करेगी फॉर एक्साम्पल स्टूडेंट्स माइट फॉर इंटर्नशिप ज्यूरिंग टू गेन एक्सपीरियंस एंड टू अर्न स्टाइपन दैट्स इकनोमिक एक्टिविटी तो आप अपने आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अगर किसी कंपनी में एक इंटर्नशिप कर रहे हो ना आपको रिटर्न में स्टाइपन मिल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी दे कुछ वॉच मूवीज और स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ फैमिली Non economic activity. While doing internship helps them to earn money, other activities are just performed for the sake of satisfaction and joy. In both instances, students are keeping themselves busy. You're doing something or the other to keep yourself busy. Yes, you surfing Instagram, you surfing Facebook, again, keeping yourself busy, right? That doesn't mean you tell your parents, no, right now I'm busy surfing. No, that is not the way it is, right? So during vacations, just like all other human beings go throughout their lives, so all the human beings have a balance. Like they like to have a balanced life. Obviously, unfortunately, to crack that balance, it requires efforts. You got to crack that proper right balance between your personal bal, you know, uh, social life and your business life. So. They are saying that everyone throughout their life does all these types of activities. Human activities. <clears throat> Human beings keep themselves busy and do some activity throughout their life all activities performed by them can be classified as economic or non economic activities so let's understand non economic activities first okay so i'm going to highlight some important words don't worry tomorrow when i give you the notes i'll be again making you highlight those words okay so uh, even if you don't have words right now just pay attention to those words it refers to those human activities which are performed to satisfy personal social religious Cultural and sentimental requirement without monetary expectations. Yes, to why do you do all these things? To satisfy your personal needs. You need your family, you need someone to talk to, you need someone to share your stuffs with. Social things, right? To socialize. Religious things. Yes, you go to a temple, non economic activity that gives you peace. Cultural things. Festivals gives you joy, gives you happiness. And your sentimental requirements. So you just can't go on working, working, working. That will not fulfill all of these requirements of yours. That will just give you money and no happiness. Example reading books, serving people, cooking, helping your mother in cooking. All these are non economic activities. Economic activities. It refers to actions that involve. Production, distribution and consumption of goods and services at all levels within the society. So to produce the things, to distribute it to your customers and finally consuming those things, it's a big process. So all these are uh, your economic activities at all levels within a society. The economic activities facilitates earning livelihood. So what is main motive of economic activity? Ka? To earn, to earn your livelihood in simple words economic activities are undertaken to earn money non economic activities not to earn money but to fulfill certain requirements personal social sentimental religious cultural requirements okay example working worker working in a factory officer working in a bank etc are all economic activities yes so very simple okay human activities economic activities and non economic activities okay now लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म बिजनेस बिजनेस क्या होता है ओके बिजनेस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इट अनेबल्स देम टू अर्न लाइवलीहुड और मनी सो so, जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करते हैं ऑल दोज ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो बिजनेस क्या है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है मैम कोई भी बिजनेस पीस के लिए नहीं करता है बिजनेस क्यों मेन मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का ड तो yes. so, 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 जब मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो क्लियर है कि वो क्यों कर रहे है टू अर्न इनकम टू अर्न योर लाइवलीहुड बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अब अगर छोटा बिजनेस है तो आप अकेले एफर्ट्स डालकर काम करवा सकते हो काम कर सकते हो ठीक है तो कुछ चीज अगर आप खुद करके सिर्फ पैसे कमा सकते हो बट कुछ ऐसी चीजें होती है वेर यू नीड एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप टू वर्क फॉर यू टू बिल्ड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन यस तो नॉर्मल अगर आप देखो एक किराना शॉप जो है वो एक पर्सन हैंडल कर सकता है बट आजकल जनरली जो थोड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं वहां पे कम से कम तीन दो तीन चार लोग होते हैं राइट सो it is a collective efforts of all those people which help to run the organization obviously big companies have thousands and lakhs of employees tata's reliance have lakhs of employees working for them right so it is organized efforts of group of individuals working towards one particular goal of that organization yes so it is either organized efforts by an individual singular one individual or group of individuals together working together for running the business it is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market with a view to earn reward in the form of profit so basically it is a attempt it is a systematic attempt and not a haphazard attempt yes so today if we start classes we make sure that things are systematic Yes, we don't just go haphazard. Apni ke saath tenth ke bachchon ko bhi bitha diya, eight, tenth ke bachchon ko bitha diya. You know, sabko saath mein bitha diya hai. Ab kabi main aap se baat kabi inse baat kar hu. No, it has to be systematic. One batch for one students, one group for one stu uh, you know a particular kind of students. So, it is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market with the. ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बिजनेस याद आता है तो प्रॉफिट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस प्रोडक्शन अब प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो कुछ भी चीज आपके आस पास ले लो कहीं ना कहीं वो प्रोड्यूस की गई होगी यस yes, आपके हाथ में जो पेन होगा आपकी जो नोटबुक होगी ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड वो क्या आप खाते हो गए लेक्चर के टाइम पे यस कौन कौन खा रहा है यस yes, वो भी चीज तो प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर केस में प्रोड्यूस हुआ है वो यस yes, ये सारी चीजें फैक्ट्री में बनी है सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी बहुत लोग कुछ चीजें प्रोड्यूस करके बेच के कमाते हैं यस सो इट एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ और मैन्युफेक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो गुड्स बनाना इज प्रोडक्शन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद मैन पावर और विद मशीन् जनरली आप हार्डली ऐसी कोई होगी जहां पर आप देखोगे सिर्फ मशीन एंड मशीन ही है उन मशीन्स को हैंडल करने के लिए भी तो लोग लगते हैं राइट तो ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जहा पे सिर्फ मशीन्स काम करते हैं राइट सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं नो एट लीस्ट एक तो इंडिविजुअल लगता है एक रियल लाइफ पर्सन लगता है ना राइट सो so,

Right? Example, cultivating piece of land and growing food grains is an example of agricultural production. However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower and machines is an example of manufacturing the goods. Okay? So, simply speaking, tomatoes, agricultural produce. Tomato ketchup, factory produce. Goods, right? Potatoes, agriculture produce. Potato chips, manufactured, uh, factory produce. Yes? So,

Agriculture. Agriculture. Tomato ketchup. Tomato factory. ketchup. Factory. Potatoes. Agriculture. Right? Potato chips. Factory. So, that is the difference. So, it can be that goods are produced on the land on, in the form of agricultural produce or it can be a factory produce. Yes. So, there can be types of productions with some with the help of manpower and machines is an example of manufacturing of goods so as I told you we require both we require manpower also and we require your machine power also yes ab har koi cheez aap haath se to nahi नहीं कर बैठ, करते बैठ सकते अगर उस चीज के लिए मशीन है तो काम fast हो सकता है production ज्यादा हो सकता है तो always people will try and prefer machine but not everyone will be able to afford machines because again योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड यस पैसा लिमिटेड है आपको उसे प्रॉपर मैनेज करना है तो कभी कभी हो सकता है हमारे पास मशीन खरीदने पैसे नहीं है सो दैट इज वाई वी डू यूज मैन पावर मोर राइट सो डिपेंडिंग अपॉन दिटुएंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ मैन पावर एंड अ मिक्स ऑफ मशीनरी टू प्रोड्यूस योर थिंग्स ओके देन कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सो आई वॉज से क्या आप सिर्फ चीजें प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री पे रखोगे क्या आप सिर्फ चीजें बना बना के अपने फैक्ट्री पे रखोगे या कुछ आपको उसको करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपको सेल यस सेल्स करने होंगे ओके सेल करना है मतलब मान लो मुझे आपको गुड्स बेचने हैं बट आप तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यस वेरी गुड विल हैव टू यूज ट्रांसपोर्टेशन विल यूज मार्केटिंग बहुत सारे और ट्रांजैक्शन या बोल सकते हो बहुत सारे और एक्टिविटीज मुझे करने पड़ेंगे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए यस yes, मान लो मैंने वीट प्रोड्यूस तो कर लिया है बट अब मुझे कस्टमर्स तक पहुंचना है तो बीच में होलसेलर्स होंगे रिटेलर्स होंगे रिटेलर्स के थ्रू मुझे आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना होगा बराबर है ना यस yes, सो so मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा बहुत सारे और फैसिलिटीज लगेंगे टू हेल्प एंड फैसिलिटेट ट्रेड तो फाइनली मुझे एक बार प्रोडक्शन हो गया तो ट्रेड करना होगा सो डिस्ट्रीब्यूशन इट इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोगों को पता तो होना चाहिए कि मैंने ये प्रोड्यूस किया है अगर मैं टोमेटो केचप बनाती हूँ तो लोगों को पता तो होना चाहिए तभी तो वो खरीदेंगे टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉल्व ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर तो एक बार प्रोडक्शन हो गया ना तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो जो एक्टिविटीज लगते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन सो मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग क्या होता है वेयर uh, हाउसिंग you know क्या होता है वेरी गुड ऑलरेडी यू नो अबाउट इट वेरी गुड स्टोरेज ऑफ गुड्स क्या होता है स्टोरिंग ऑफ गुड्स की अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो और सेल इतना नहीं हो रहा है तो गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है ना सो so, यू नीर वेयर हाउसेस जहां पे आप गुड्स रख सकते हो या फिर मान लो आपने गुड्स कहीं पे सेल करने के लिए भेजे हैं तो मान लो मैं पंजाब में रहती हूँ मुझे पुणे में, में मेरा वीट सप्लाई करना है तो पुणे में, में मुझे एक वेयर हाउस एक गोडाउन लेना होगा जहां से मुंबई से पुणे में मैं आ, यू नो स्टोर करके रख सकती हूँ वीट और फिर यहाँ पे मैं ढूंढूंगी कौन है डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है यू नो होलसेलर्स रिटेलर्स फिर उन्हें ढूंढूंगी और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी यस सो वी रिक्वायर ऑल दैट स्टफ ओके सो दैट बेसिकली इज योर बिजनेस तो एग्जैक्ट बिजनेस क्या होता है कल हम प्रॉपर डेफिनेशन ऑल सब करेंगे अब एक सिर्फ एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा सो so बच्चों पहले तो हमने शुरू किया कि ये इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है राइट सो so हमें ये तो समझा है कि अगर हमें आगे जाकर कोई बिजनेस एक्टिविटी या कोई भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें पैसे कमाने हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो प्रोफेशन भले ही फॉलो करना है बिजनेस करना है कुछ भी करना है उसके लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट हमें उसका नॉलेज देने वाला है यस तो बीट ट्रेड बीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बीट फॉर्म ऑफ कंपनीज फॉर्म ऑफ यू नो पार्टनरशिप्स जो भी है ये सारा नॉलेज हमको इस सब्जेक्ट से मिलने वाला है ठीक है सो so, ये सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमने देखा हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया विच वॉज इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ओके अब उसमें पहली चीज हमने स्टार्ट की ह्यूमन एक्टिविटीज और उसमें हमने दो पार्ट समझे हैं। चलो फटाफट से क्लासिफाई द ह्यूमन एक्टिविटीज क्लासिफाई द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द चैट बॉक्स इन द चैट बॉक्स हरियप very good economic activities non-economic activities okay one line for economic activities economic activities ke liye ek line or explain it just in one or two words economic activities very good to earn a living to earn your living to earn money you need economic activity okay non-economic activities will fulfill your certain requirements. what are those requirements? Satisfaction, very good. Enjoyment, pleasure, happiness, very good. Okay. So, peace, yes, all these things. So, that will help you to fulfill your sentimental, religious, cultural, all your requirements, personal requirements as well, social requirements. So, all those requirements will be fulfilled by your non economic activities. Okay. Um, where is

टल इमोशनल बेनिफिट के लिए राइट सो दैट वॉज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्टेड विदर्म कॉल्ड एज बिजनेस बिजनेस इज एनी दैट यू डू टू अर्न योर लिविंग राइट उसमें हमने आज दो पार्टस समझे है एक हो सकता है प्रोडक्शन एंड दूसरा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन राइट प्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स टेलमी विच आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यस एग्रीकल्चरल और फैक्ट्री प्रोड्यूस यू कैन से यस एग्रीकल्चरल और फैक्ट्री प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आती है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें आती हैव ट्रेड वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन यस ऑल मार्केटिंग ऑल दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज सो वेरी गुड यहां तक आपको क्लियरली समझा है एंड बिजनेस

नेक्स्ट आई थिंक हम नेक्स्ट फ्राइडे को वापस मिलेंगे ओके okay? सर so हम कोशिश करेंगे दो तीन आंसर्स आगे हम लर्न करके ही बाहर निकलेंगे यहां से तब तक ऑब्वियसली मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी ओके okay? कल आपका सर का लेक्चर होगा फॉर इकोनॉमिक्स ओके कोई शक बच्चों कोई डाउट है आपको पूछ लो रिलेटिंग टू एनी